स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल्स चैरिटिटोरियल आज के इस वीडियो में हम कवरअप करने वाले हैं जो आपकी क्लास टेन की सोशल का चैप्टर है डेवलपमेंट ऑलरेडी इसके टू पार्ट मैंने अपलोड करे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बच्चे पहले उनको देखना फिर ही आपको ये थर्ड वाला जो पार्ट है जिसमें हम चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे वो आपको समझ आएगा ठीक है हमने जैसे कि आप पढ़ रखा है इस चैप्टर का अगर मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव बता दू पहले भी दिन भी मैंने आपको ये चीज बता रखी है ठीक है की डेवलपमेंट हैज मनी आज जैसे अपने पार्ट वन और पार्ट टू में अच्छे से समझ लिया कि डेवलपमेंट के काफी ज्यादा आस्पेक्ट हैं समझ लग गए आपको अभी तक क्योंकि दो पार्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया अगर कुछ बच्चे ये सोचते थे कि डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही आस्पेक्ट है तो ऐसा नहीं है ठीक है द पर्पज ऑफ दिस टू एनेबल द स्टूडेंट टस्टेंडिया इस चैप्टर का यही पर्पज था न आपको ये अंडरस्टैंड करवाना कि डेवलपमेंट का एक आस्पेक्ट नहीं है काफी ज्यादा आस्पेक्ट होते हैं और बच्चों को ये अंडरस्टैंड करवाना कि जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो दूसरे पर्सन के लिए नहीं होंगे ठीक है और यही चीज हमने इस चैप्टर में क्या करी अभी तक कवरअप करी आज इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि जो हमारा आज के क्लास है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किन किन टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इकोनॉमी क्या होती है फिर हम डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करेंगे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे बच्चे यहाँ पर आपका एन आएगा तो जो हल्के फुल्के से होते हैं उनको आप खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा एन आएगा यहाँ पर उसके बाद आपका आएगा अंडर यहाँ पर भी देखिए आपका एन आना था हाँ जी अंडर आपका हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और नेशन और स्टेट कैसे हम अलग अलग कंट्रीज को क्या करेंगे डिफरेंशिएट uh, करेंगे कंपेयर करेंगे ठीक है आपको पता है कि कंट्रीज में यू आता है तो उसको करेक्ट कर लेना फिर से आई वहां पर है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको हम देखेंगे सबसे पहले इकोनॉमी इसको कवरअप करते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एट्सक्ट्रा इकोनॉमी में बेटा क्या होता है वो देखिए आप सबसे पहले जो सम टोटल होता है जितनी भी एक्टिविटीज हो गई प्रोडक्शन सबसे पहले प्रोड्यूस करो ठीक है बनाओ उस चीज को कंज्यूम करो उसको फिर यू नो कंज्यूम करा आपने लिया उसको अच्छे से पहले आपने बनाया ठीक है उसके बाद यू you नो know, आपने अगर बना रहे हो तो कोई आप चीज़ तो प्रोड्यूस कर रहे हो ना सबसे पहले आप नॉर्मल से से समझो कोई भी चीज़ आप आप बना बना रहे हो, बना रहे हो हो सपोज करो चिप्स का पैकेट उसके साथ तो रिलेट कर ही पाओगे ना चिप्स तो सभी खाते हैं मोस्टली खाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले आपने पोटेटोज लिए तो पोटैटो किसी गार्डन में किसी जगह पर आपको ग्रो करने पड़ेंगे प्रोड्यूस करें आपने उन पोटेटोस को उसके बाद आप कहीं पर लेकर आए हो उनको ठीक है आपने क्या करा उस चीज को पोटेटोज को आप कहीं पर लेकर आए हो लेकर कहाँ से आए हो आप आप उस गार्डन से या जहाँ पर भी आपने ग्रो करी वहाँ से लेकर आए आप किसी इंडस्ट्री में लेकर आए उनको पील करा उनको वॉश करा उनको कट करा ठीक है फिर वो पोटैटोज कहाँ पर जाएंगे किसी फैक्ट्री में जाएंगे वहाँ पर जाकर उन फैक्ट्रीज में क्या करा जाएगा कि जो भी उनके अंदर उन्होंने यू नो प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है उन चिप्स को बना दिया जाएगा फिर उसको पैकेट में पैक कर दिया जाएगा ठीक है फिर उसको क्या करा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करी जाएगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करी एक जगह से यानी एक फैक्ट्री से जहाँ से वो चिप्स वगैरह आपके बने दूसरी फैक्ट्री में वो गए ठीक है या ट्रक वगैरह में गए और वो चीजें क्या होनी शुरू हो गई एक्सचेंज होनी शुरू हो गई ये सारा किसका पार्ट है इकोनॉमी का पार्ट है प्रोड्यूस करना कंज्यूम करना डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको क्या करना बच्चे एक्सचेंज करना इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बनाकर आ सकते हो एग्जाम में देखो इकोनॉमी है प्रोडक्शन है कंजम्पशन है डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एक्सचेंज है कितना अच्छा लग रहा है ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर आओगे पेपर में तो है ना आगे देखो आप डेवलपिंग इकोनॉमीज क्या होती हैं आपकी दोज इकोनॉमीज विच आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन सच इकोनॉमीज सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर टेन टू डिक्लाइन वेयर एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर शार्पली ठीक है क्या होता है यहाँ पर वो इकोनॉमीज यहां पर की विच आर पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ ग्रोथ ग्रोथ और डेवलपमेंट कम्प्लीटली हुई नहीं है वो जस्ट वो स्टेज पर है उससे पास कर रहे हैं वो ठीक है इन इकोनॉमिक में क्या होता है जो आपका एग्रीकल्चर का टेंड होता है वो कम होता है ठीक है वो लोग एग्रीकल्चर की तरफ इतना ध्यान नहीं देते जिनका जितना ज्यादा ध्यान उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर पर होता है वहां पर इंडस्ट्रियल जो आपका सेक्टर होता है वो काफी शार्पली क्या करता है ग्रो करता है आपके एग्जाम्पल्स से आपका इंडिया है मलेशिया है एंड आपका इंडोनेशिया है इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो कितना अच्छा लगता है अट्रैक्टिव लगता है एग्जाम में भी जब हम ऐसा करके आते हैं तो उसके बाद आ गई आपकी पहले हमने समझा आ, आपका था डेवलपिंग ठीक है उसके बाद हम करेंगे आपका अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज इसमें क्या होता है आपका अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर द इकोनॉमीज विच आर करेक्टराइज बाय द लो लेवल और पर कैपिटा इनकम एंड मिजरेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉर्मल सी बात है अंडर आ गया ना उसके अंडर ठीक है नीचे यानी वो वो इकोनॉमीज जिसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है उनकी पर कैपिटल इनकम भी काफ़ी लो है मेजरेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों के पास रहने की अच्छी खासी जगह नहीं है खाने पीने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीस होगी वो आपकी ठीक है एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पर आपके नेपाल है म्यांमार है ठीक है इस टाइप से भी आप बना सकते हो पेपर में फ्लो चार्ट इतनी ज़्यादा आपको कलाकारी करने की जरूरत नहीं है ठीक है नॉर्मल आप थोड़ा सा जैसे ये था वैसा भी बना लो ये ना हो कि आप पेपर में ऐसे यू नो टायर्स टाइप शेप बनाते रहो और बाद में कहो कि हमारा तो पेपर ही नहीं पूरा कंप्लीट हो पाया ठीक है प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बट थोड़ी ऐसी भी मत कर देना बिकॉज तो सोशल का पेपर है तो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए जाएँ ब्लैक पेन का यूज़ करा जाए हेडिंग के लिए सब हेडिंग्स के लिए अट्रैक्टिव लगता है पेपर ठीक है उसके बाद देखिए टॉपिक आप हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स अगर मैंने दो कंट्रीज़ को या स्टेट्स को कंपेयर करना है तो कैसे करूँगी मैं फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज अब देखो आई डोंट नो वाई यहाँ पर बार बार आई लिखा हुआ है बच्चे प्लीज़ आप तो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो सो so मेरी सही मिस्टेक को ज़रा आप करेक्ट करना ठीक है सो so, इग्नोर करना ठीक है सो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट अगर हमने दो कंट्रीज़ को बच्चे कंपेयर करना है तो इनकम पैसा ठीक है जो पैसा होता है उसको ले लेते हैं उसको यूज करके क्या करते हैं है? कंपेयर करते हैं वो करप्शन वाला पैसा नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या देखा जाता है कि पैसा किसके पास ज्यादा है जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसको क्या मानते हैं सुपीरियर है दूसरी वाले को मान लेते हैं इनफीरियर है ठीक है ना अगर आप नॉर्मल सी बात समझो आप अगर आप स्कूल में पढ़ते थे अब तो चलो आपको समझ आ चुकी है अभी भी आप स्कूल में ही हो क्लास टेंथ में ही हो बट फिर भी जब आप क्या देखते हो जब आप ट्यूशन वगैरह में जाते हो या छोटे हो जब आप अराउंड आप ले लो फोर्थ थर्ड फोर्थ क्लास में हो ठीक है आप देखते हो जब किसी बच्चे के पास अच्छी खासी से ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी सी पेंसिल्स होती हैं छोटे बच्चे तो आपको पता है कि पेन का कितना शौक़ होता है उनको है ना तो वो पेन्स भी अपने पास रख कर आते हैं स्कूल में तो क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा अच्छा टिफ़िन होता है होता है बॉटल होती है एंड यू नो अच्छा खासा बैग होता है तो समझा जाता है कि वो बच्चा बड़ा रिच है ठीक है और जिसके पास नहीं होता है वो बेचारा थोड़ा सा फील करता है कि नहीं यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है ये लगता है बच्चा बहुत अमीर है जो उसके पास इतनी महंगी महंगी चीजें हैं ठीक है ना ऐसा वैसे ही इसमें है यानी पैसा आया उसको कंपेयर करने के लिए वैसे ही यहाँ पर है कि अगर मैं कम कंट्रीज को कंपेयर कर रही हूँ तो इनकम को समझा जाता है कैसा यू नो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट समझा जाता है कंट्री विद हायर इनकम आर डेवलप्ड देन अदर ठीक है विद इनकम सो so, क्या है कि जो कंट्री जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो दूसरी से ज्यादा सुपीरियर होंगी सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर टू बी वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑब्वियसली बात इसके पास अच्छा खासा पैसा होगा उसके पास चीज़ें अच्छी खासी होंगी वो फिर अच्छा पैसा क्या कर सकता है अपना इन्वेस्ट भी कर दे चाहे तो यूज भी कर दे बिकॉज उसके पास पैसा है ही बहुत ठीक है नाउ वट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री अब इनकम ऑफ कंट्री क्या होती है ये समझो आप द इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री दैट गिव अस अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कंट्री के टोटल इनकम देखने के लिए क्या करा जाता है कि जितने उस कंट्री के अंदर लोग रहते हैं उन सभी की इनकम को क्या करा जाता है टैली करा जाता है इसलिए बोला जाता है कि अपनी इनकम हमेशा करेक्ट बतानी चाहिए बट लोग करेक्ट नहीं बताते हैं ठीक है जैसे गर्ल्स होती है उनको उनकी एज पूछी जाए तो एक दो ईयर कम ही बताएंगी ज़्यादा नहीं बताएंगी आपको कभी भी ठीक है ये फैक्ट है <laughs> उसके बाद आगे देखिए आप हाउ एवर फॉर कम्पेरिजन बिटवीन कंट्रीज अब मैं गर्ल्स को नहीं कर रही हूँ क्रिटिसाइज बिकॉज मैं भी तो गर्ल ही हूँ ठीक है एंड बॉयज़ भी करते हैं कुछ ऐसा बट ज़्यादातर मेजोरिटी गर्ल्स कर देती हैं ऐसा हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन द कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एज यू नो एज एंड यूजफुल मेजो सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन सो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस वट एंड एवरेज पर्सन इज लाइक लिट ओन बोला ना वही चीज़ मैंने कि आपको जब आपके पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है या स्कूल में पूछा जाता है इनकम कितनी है तो मोस्टली लोग करेक्ट नहीं बताते हैं वो थोड़ी सी परसेंटेज को कमी कर देते हैं इनकम की ठीक है अगर उनकी फिफ्टी के के अराउंड है तो उससे कम ही बताएंगे वो ठीक है उसके बाद यही इसने बोला कि जैसे कंट्री को आप कंपेयर कर रहे हो इनकम को लेकर अब लोग भी तो डिफरेंट होंगे ना अगर ए कंट्री ली एक आपने बी कंट्री ली अब ए में ज़रूरी थोड़ी है कि दस लाख लोग और बी में भी दस लाख लोग होंगे मे भी कम हो है ना मे बी ज़्यादा हो और ऊपर से कंपेयर कर रहे हो जब इनकम को लेकर तो इनकम भी क्या पता लोग अपनी आपको झूठ बता रहे हो सच ना बता रहे हो मे भी कोई ज़्यादा बता रहे हो ये सोच के कि हमें ये हमें फील ये यू नो फील करेगा कि हम बहुत ज़्यादा पुअर हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा बता दें और रिच वाले जो थोड़ी से कम बता दें कि हमें ज़्यादा ही ना रिच समझ लें उतने ज़्यादा हमें फिर टैक्सेस लगेंगे ठीक है सो so, इनकम को एक सोर्स मान के कहना दैट इज़ नॉट यू नो गुड अगर वही है कि अगर आप किसी बच्चे के 90 परसेंट मार्क्स आ रहे हैं तो आप सोच रहे हो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है ज़रूरी नहीं है मे बी वो क्रैमिंग कर रहा है मे बी जो आपका 60 परसेंट वाला बच्चा है उसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे 90 परसेंट वाले बच्चे से ठीक है ना तो ये चीज़ है एक चीज़ को जज करने के बाद आप यू you नो know, बुक के कवर को जज करने के बाद आप नहीं बता सकते कि बुक कैसी होगी अंदर से अंदर बुक पढ़नी पड़ेगी तभी पता चलेगा ठीक है तो इनकम को एक सोर्स समझना कि इससे आप यू नो कंपेयर कर लो वो अच्छी चीज़ नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिड बाई द टोटल पॉपुलेशन सो टोटल पॉपुलेशन को आप क्या करते हो ऊपर uh, आप रखते हो जितनी टोटल इनकम हो गई नीचे आप रखते हो कि पॉपुलेशन कितनी है दोनों को आप डिवाइड कर देते हो तो आपकी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम ये निकल जाती है ठीक है जी लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल का जब भी बच्चे मतलब आए ना सबसे पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि सस्टेन करके रखना बोलते हैं ना टीचर कि अपनी जो प्रोग्रेस है जो आपके बेटा मार्क्स है उनको सस्टेन करके रखना ये ना कि आपके कैफे में मार्क्स आ गए 90 परसेंट और जब आप अपना समेटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर आप नीचे आ गए हो सेवेंटी में ठीक है ना सस्टेन का मतलब यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम क्या करें बेसिकली ये प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिसमें क्या किया जाता है जिसमें एम जिसका एम क्या होता है कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखना है अभी के लिए भी जो आपका प्रेजेंट में है और फ्यूचर के लिए भी ठीक है और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आपको या इन्वायरमेंट को क्या करना है हार्म नहीं करना है सभी चीज़ों को आपके अच्छे से आपने बचा कर रखना है ताकि फ्यूचर की और आपकी जो मेन नीड्स है उनको क्या करा जाए सेटिस्फाई कराया जाए सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है पी आपको कंप्लीट इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के बाद हम करेंगे आपका सेक्टर्स ऑफ द इकोमी ठीक है जी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग